तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे रणजी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ गाइस, दीपावली काफी नजदीक आने वाली है गाइस। तो आप लोगों को बता दूं यार, मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं डाली है, लॉन्ग वीडियो आप लोगों को यार। तो गाइस, आप लोगों को बता दूंगा आज लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, और मैं बनाने वाला हूँ जो RGB लाइटें होती हैं उनकी वीडियो बनाने वाला हूँ, झल्लर वगैरह की। तो चले गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चले गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो जी हाँ गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ हींग गोली की डिब्बी छोटी छोटी। और गाइस, आप लोगों को बता दूँ ये कितने रुपये की है। तो गाइस, एक डिब्बी सिर्फ 1 रुपये की गाइस, 10 डिब्बी लेके आ चुका हूँ 10 रुपये की। तो इसमें फटाफट से ये जो गोली है इन्हें निकाल लेता हूँ बाहर। तो फाइनली गाइस, मैंने सारे CCO को खाली कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और इसके जो चिल्ला वगैरह थे मैंने अच्छी तरीके से वो छुटा दिए, एकदम CCO को साफ कर लिया बढ़िया तरीका से। तो चलिए गाइस, आप लोगों को और बता देता हूँ क्या क्या चीज़ को यूज करना है इस झल्लर बनाने में, चलिए दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोगों को इस तरीके की 10 RGB लाइटें ले लेना है। और इसका जो कनेक्शन है, आप लोगों को कनेक्शन भी बता दूंगा, काफ़ी सिंपल तरीके से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इसे हटा देता हूँ और भी चीज़ दिखाता हूँ क्या लगाना है। और इस तरीके का कॉपर का वायर ले लेना है बिल्कुल पतले साइज में, ताकि आप लोगों को आसानी हो गाइस। और आप लोग देख सकते हो ये जो तार है काफ़ी तगड़ा तार है और जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो गाइस, इसको यूज करेंगे। और भी दिखाते हैं कि USB गाइस आपके लिए कुछ इस तरीके का USB पेंट्रफ ले लेना जो कि ख़राब हो। तो गाइस, मैं इसको यूज करूँगा और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। गाइस, सभी LEDO के पॉइंट को इस तरीके से टेढ़ा कर लेना है। और गाइस, आप लोगों को बता दूँ प्लस माइनस कौन सा है। तो ये वाला है जो, ये है माइनस और ये वाला प्लस है। तो आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी जो LED है सभी LED ख़राब हो जाएंगी। तो ये है प्लस, ये है माइनस। तो चलिए गाइस, हमने स्टैंड बना लिया है, इसमें लगा के कनेक्शन करते हैं। यार, सभी LED को इसी तरीके से लगा लेता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से गाइस, सभी LED को इस तरीके से लगा लेते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने पूरी झल्लर को इस तरीके से कनेक्शन वगैरह करके कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए गाइस, हम इसमें USB इसे लगाते हैं। हम इस USB पेंट्रफ में हॉल कर लेंगे छोटा सा पीछे की साइड से। तो गाइस, हमने इसमें हॉल कर लिया है, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। गाइस, हमने इसे खोल लिया है, तो चलिए कनेक्शन करते हैं। गाइस, ये जो हमारी कॉपर की डोरी है इसके अंदर डाल लेते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। गाइस, सेट का जो पॉइंट ये है माइनस, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है। गाइस, कनेक्शन कर दिया, तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने इस पेंट्रफ को बंद कर दिया है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है इसका इंटरफेस। तो चलिए अब इसको हम फिट कर लेते हैं CCO में। गाइस, देरी ना करते हुए फटाफट से हम सभी ढक्कनों में हॉल कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो। मैंने इस तरीके की बोतलों में छोटे छोटे हॉल कर दिए हैं। तो चलिए गाइस, RGB लाइट इसमें फिट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ गाइस, मेरी जो RGB झल्लर है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए गाइस, इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या, एक चार्जर ले लेना है और उसमें USB को लगाना है। तो चलिए ले लेते हैं एक चार्जर। मेरे पास एक U1 का चार्जर है, तो इस U1 के चार्जर में इस USB को लगा देते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं बोट की तरफ। मेरे पास ये बोट है, तो चलिए इस चार्जर को इसमें लगा लेता हूँ एक बार। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त जल रही है एकदम टनाटन। तो चलिए गाइस, रोशनी को बंद कर ले। अब आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है जो हमने लाइटें बनाई हैं, एकदम बेहतरीन वाली गाइस। तो यहाँ पर जो माता वगैरह होती हैं वहाँ पर भी आप लगा सकते हो, जहाँ पर आपकी मर्जी करे गेट वगैरह पे इस लाइटों को लगा सकते हो। और गाइस, आज के लिए इतनी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट।